जिनमें पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इन दसों इंद्रियों को एकाग्र जब करोगे, जब दस इंद्रियां एकाग्र होंगी तो जिभ्या से कहना बंद हो जाएगा, मुख का ओठों का चलना बंद हो जाएगा, हाथों में माला पहन रहे हो वो बंद हो जाएगा, हाथों को गोदी में रखना पड़ेगा, पैरों से आसन लगाना पड़ेगा, आंखों को बंद करना पड़ेगा, जिभ्या को पलटना पड़ेगा, अंदर में जो नाम उस सर्वेश्वर का है, उस प्रभु का नाम है, वह नाम रमण कर रहा है, उस नाम का जब हम अभ्यास करेंगे तो हम 84 लाख योनियों से पार हो करके भव सागर से पार हो जाएंगे। फिर हमें यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा, धर्मराज के यहां नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मराज के यहां वही जाता है जो पाप और पुण्य से, सुकर्म और कुकर्म से, दुख और सुख से बना बना है, और अन्यथा जो सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है वह सतलोक में जाता है। अगर भगवान ब्रह्मा का भक्त है तो ब्रह्मा के लोग में जाता है, भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का भक्त है तो वो लोग धाम में जाता है, और भगवान शंकर का भक्त है तो शिवलोक में जाता है, और सद्गुरु का भक्त है उस ईश्वर की आराधना करने वाला है, ईश्वर का स्मरण करने वाला है तो सतलोक में जाता है। पहले मैंने एक दूरे में बताया था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैत्र अमल सहज सुखी, अगर जो है ये मनुष्य उस नाम का स्मरण करे तो सहज में ही वह जो सुख की राशि है, सुख की राशि कहते हैं जो सुख का ढेर है, आनंद है, तुलसी राशि आनंद को बताना चाहते हैं, जो आनंद ईश्वर को प्राप्त करने में होता है। तो प्रेमी भक्तों, जब हम ईश्वर को प्राप्त होंगे, ईश्वर के उस नाम को जानेंगे, कहते हैं अर्थमिता ने ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश दृष्टि अर्जुन भ्रम यान अंतर रुद्रा ने सर्वभूता निभाया, कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम वह ईश्वर सभी भूत तत्वों में जिन्हें पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कहते हैं सब में विद्यमान है, हर जगह व्यापक है, कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, तो योग साधन की आवश्यकता है। वह नाजिर जो है जिसे हम देखना चाहते हैं नजर से, वह नाजिर हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वह हाजिर नाजिर नहीं है, लेकिन वो हमें कब दिखाई देगा जब हम सच्चे रहबर के पास जाएंगे, सदगुरु के पास जाएंगे, और वो हमें सच्चा नाम देंगे और मेरी उस आंख को खोलेंगे, तभी हमें उनका दर्शन होगा, अंदर में दर्शन होगा। कहते ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय विस्तृत हृदय देश प्रस्तुत अर्जुन, हे अर्जुन वह सभी भूत तत्वों में है, लेकिन अगर उसे आप जानना चाहें तो तुम्हें हृदय देश में प्रवेश करना पड़ेगा। हृदय देश त्रस्त त्रस्त माने बैठा है, हृदय देश माने हृदय की दिशा, तो हृदय में कैसे प्रवेश हुआ जाता है ये तो मार्ग जो है सदगुरु देव ही बताते हैं। कोई जो नाम है उस नाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा हृदय में प्रवेश किया जाता है, और जब हम अभ्यास करेंगे इसका तो सहज में ही उस सुख राशि को आनंद को सच्चिदानंद